अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग में देखें, आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3। तो जो दें जवाब, चैप्टर नंबर 3 आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स यूजेस एंड क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 आज हमने स्टार्ट करना है, तो जो दें कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूजेस एंड क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर देखें प्रीवियस चैप्टर का ये एक हिस्सा है, लेकिन प्रीवियस चैप्टर और इसमें मेन फर्क ये है कि प्रीवियस चैप्टर में आप कंप्लीट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते थे, लेकिन इस चैप्टर में आप कंप्लीट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, बल्कि कॉस्ट को मुख्तलिफ हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे और उसके छोटे छोटे आप ब्लॉक्स बनाएंगे। यानी प्रीवियस चैप्टर और इसमें फर्क यह है कि प्रीवियस चैप्टर में आप कंप्लीट एक स्टेटमेंट बनाते थे, लेकिन इस चैप्टर में आप कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, बल्कि उसी स्टेटमेंट को आप छोटे छोटे हिस्सों में क्लासिफाई करोगे, तकसीम करोगे और उसमें मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स बनाओगे। आप कहेंगे कैसे, मसलन देखें इसमें आपसे मांगेगा कि आप प्राइम कास्ट मालूम करें। अब आपको पता है कि प्राइम कास्ट किसे कहते हैं, आपने ऑलरेडी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के चैप्टर में पढ़ा है। प्राइम कास्ट किसे कहते हैं, अगर आप मटीरियल की कास्ट के साथ लेबर की कास्ट को ऐड कर दें तो ये कौन सी कास्ट होती है, प्राइम कास्ट। जी तो फर्स्ट करें, अगर आपकी डायरेक्ट मटीरियल की कास्ट है 1 लैख, इसके साथ प्लस कर लें आप डायरेक्ट लेबर की कास्ट को, फर्स्ट करें ये 30,000 है, तो ये प्लस कर लो तो 1,30,000, ये आपके पास कौन सी कास्ट आ जाएगी, प्राइम कास्ट, या ये आपके पास कौन सी कास्ट आ जाएगी, बेसिक कास्ट या फ्लैट कास्ट। इस किस्म के आपसे ब्लॉक्स मांगेगा। लेकिन देखो, अगर आप इस चीज को देखो तो प्राइम कास्ट कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये एक हिस्सा है, लेकिन कंप्लीट कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आपसे नहीं मांगेगा, इस किस्म के आपसे ब्लॉक्स मांगेगा कि मसलन आप प्राइम कास्ट मालूम करें। तो प्राइम कास्ट का फार्मूला क्या है, अगर आप मटीरियल के साथ लेबर ऐड कर दो तो ये आपके पास कौन सी कास्ट आ जाती है, प्राइम कास्ट। इसी तरह बिल फर्स ये आपसे मांगेगा कि आप कन्वर्जन कास्ट मालूम करें। कौन सी कास्ट मालूम करें, कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन किसको कहते हैं, आप देखें जब रॉ मटीरियल खरीदते हैं और रॉ मटेरियल को जब आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट मींस मुंतकिल। यानी इस चेयर के लिए आपने वुड खरीदी तो इस वुड को चेयर में किसने कन्वर्ट किया है, तो वुड को चेयर में कन्वर्ट करते हैं लेबर और FOH। यानी लेबर के साथ जब आप FOH की कास्ट को प्लस कर दो तो यह आपके पास कौन सी कास्ट आती है, कन्वर्जन कास्ट। तो लेबर फर्स करें 30,000 है, एफओएच फर्स करें 20,000 है, ये प्लस कर लो तो 50,000 है, तो ये 50,000 आपके पास कौन सी कास्ट आ जाएगी, कन्वर्जन कास्ट। तो कन्वर्जन किसको कहते हैं, जब आप लेबर के साथ एफओएच को प्लस कर दो तो ये आपके पास कौन सी कास्ट आ जाएगी, कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन का मतलब क्या है, आप जब रॉ मटीरियल खरीदते हैं तो रॉ मटीरियल को फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये तो अंडरस्टूड बात है, लेबर कन्वर्ट करता है और कौन कन्वर्ट करता है, एफओएच। जी तो लेबर और एफओएच जब आप दोनों को प्लस कर दें तो ये आपके पास कौन सी कास्ट कहलाई जाती है, कन्वर्जन कास्ट कहलाई जाती है। ठीक हो गया, इस किस्म के आपसे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स मांगेगा। तो बहरहाल इसके बस हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जाना है, क्योंकि इसमें नई चीज और कुछ भी नहीं है, जो बातें आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वही बातें फिर दोबारा है, लेकिन उसी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट को ये छोटे छोटे हिस्सों में यहां क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा। तो छोटे छोटे हिस्से क्या है, मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी दिए हैं, मसलन कौन सी कास्ट की, प्राइम कास्ट, मसलन कौन सी कास्ट की होगी, कन्वर्जन कास्ट। ठीक हो गया। अच्छा चेक करो एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर आए आप।